सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। तो तैयार हैं आप सुनने के लिए एक नए व्यंजन की कहानी? तो आज हम सुनेंगे व्यंजन ट की कहानी, और व्यंजन ट ऐसा दिखता है। तो सुनते हैं व्यंजन ट की कहानी। तो बच्चों, इस कहानी में थे दो दोस्त, एक टर्रू मेढक और एक हरियल टिड्डा। वो दोनों दोस्त एक टापू पे रहते थे और उसी टापू पर दोनों एक साथ खेलते थे और टमाटर और टिंडे की खेती करते थे। दोनों को कहीं भी घूमने जाना होता था तो वो दोनों टोपी और टीका लगाकर घूमने जाते थे। दोनों एक साथ बहुत खुश रहते थे। मगर आपको पता है, उन दोनों की दोस्ती से एक टेढ़ा कौवा बहुत जलता था। उसी टापू पर एक टहनी पर वो टेढ़ा कौवा रहता था और वो जब जब उन दोनों को एक साथ देखता था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन टेढ़े कौवे ने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों की दोस्ती में टकराव ला दूं, और उसने टर्रू मेढक से बोला, अरे टर्रू मेढक, तुमको पता है ये हरियल टिड्डा बिल्कुल काम नहीं करता, ये सारा काम तुमसे करवाता है। और टर्रू मेढक ने कहा, ठीक है, अब मैं इस हरियल टिड्डे से अपनी दोस्ती तोड़ दूंगा। उसके बाद टेढ़ा कौवा हरियल टिड्डे के पास गया और उससे भी उसने यही कहा कि टर्रू मेढक बिल्कुल काम नहीं करता। हरियल टिड्डे ने जब ये बात सुनी तो वो भी टर्रू मेढक से नाराज हो गया और दोनों की दोस्ती टूट गई। दोनों बहुत उदास रहने लगे। तभी एक दिन वहाँ से टिड्डों की एक टोली निकली और उस टोली ने टिड्डे को समझाया, अरे हरियल टिड्डे, तुम क्यों टर्रू मेढक से नाराज होते हो? तुम्हें पता नहीं है ये टेढ़ा कौवा बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये सब में टकराव लाना चाहता है। हरियल टिड्डे को टोली की बात समझ में आ गई और उसने जाकर टर्रू मेढक से कहा कि अब हम दोनों नहीं लड़ेंगे, और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तभी वहाँ टप 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 बारिश होने लगी और दोनों खुशी से नाचने लगे। और अभी टेढ़ा कौवा भी वहाँ आ गया और उसको भी ये बात समझ में आ गई कि कभी किसी की दोस्ती तोड़नी नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हमें किसी की बातों में आकर आपस में टकराना नहीं चाहिए। अब हम इस कहानी में आए हुए व्यंजन ट के शब्दों को एक बार पुनः देखेंगे। ट से टमाटर, ट से टिंडा, ट से टिड्ढा, ट से टोली, ट से टप टप, ट से टहनी, ट से टोपी, ट से टीका। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।